इधर नशीली सिरप पीने से हुई मौत के मामले के बाद बिलासपुर एक बार फिर चर्चा में है। यहां लॉकडाउन में अवैध वसूली का मामला सामने आया है। कारोबारियों का आरोप है कि पुलिस लॉकडाउन में मिली छूट में दुकान बंद करने को कह रही है, जेल भेजने की धमकी दे रही है। इतना ही नहीं, इसके लिए अवैध वसूली भी की जा रही है। कारोबारियों ने इसकी शिकायत शहर विधायक शैलेश पांडे से की है। दरअसल लॉकडाउन में जिला प्रशासन ने किराना दुकानदारों को 2 बजे तक होम डिलीवरी सामान देने की छूट दी है, लेकिन तोरवा इलाके का हाल जुदा है। बुधवारी बाजार में व्यापारियों ने शहर विधायक को उस वक्त घेर लिया जब विधायक शैलेश पांडे बाजार का निरीक्षण करने निकले। व्यापारियों ने पुलिस पर आरोप लगाया है कि समय में छूट के बाद भी उनसे 5 से 6 हजार रुपये वसूली की जा रही है। उधर इस पूरे मामले पर विधायक शैलेश पांडे ने अधिकारियों से बात की, गृहमंत्री के संज्ञान में लाने की बात भी कही है। अब तो टाइम दे दिया गया, 12 बजे तक आप पूरे राशन आप क्लियर कर सकते हो, किसी का 2 बजे तक जो भी टाइम है। तो ये परेशानी क्यों, ये जबरदस्ती का नहीं, जबरदस्ती का लोग लाके धमकी देना, पैसा लूटना, ये सब कहां जा रहा है? रसीद दिया किसी को? रसीद दिया तो पैसा कहां गया? रसीद दीजिए, रसीद मंगाइए उनसे। ग्राहक 5, 6, 7, 8 आ गया, उसको हटाना हमारा काम थोड़ी है। हम ग्राहक को हाथ जोड़ के बोलते हैं आप लोग दूर बनाए रखिए। अब ग्राहक नहीं बनता तो उसके लिए हमारा जवाबदारी है कि ना, प्रशासन का जवाबदारी है उसके लिए। नहीं, तुम दुकान बंद करो, 15 दिन के लिए सील कर दूंगा, 1 महीने के लिए सील कर दूंगा, धमकाता है सब चीज। हम कस्टमर को भी यहाँ नहीं खड़े करने दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग नंबर लिख दिए हैं, कस्टमर को बोल रहे हैं लिस्ट छोड़ दो आप, हम आपको बाद में बुला लेंगे, उधर घर पहुंचा देंगे, ये सब काम कर रहे हैं, उसके बाद भी प्रॉब्लम हो रही है। शिकायत व्यापारियों ने अभी की है कि अवैध वसूली की जा रही है। जितना पैसा लिया, किसी से 6,000 रुपये लिया, 500 का रसीद दिया, किसी से 5,000 रुपये लिया, किसी से 3,000 रुपये लिया, इस प्रकार की अवैध वसूली यहाँ व्यापारियों से की जा रही है, जो कि सही नहीं है। और इस पर मैं कठोर से कठोर कार्रवाई करने का निर्देश आज दूंगा, और इसमें मैं IG साहब से और साथ साथ जरूरत पड़ेगी तो माननीय मंत्री जी से बात करूँगा कि इस प्रकार से बिलासपुर में पुलिस जो कर रही है वो ठीक नहीं है। हम रुक करेंगे इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। उमेश मौर्य हमारे संवाददाता इस वक्त बिलासपुर से लाइव जुड़ गए हैं। उमेश, जो आरोप व्यापारी लगा रहे हैं पुलिस कर्मियों पर कि वो वसूली कर रहे हैं, कौन है ये पुलिस कर्मी, क्या पुलिस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है? विधायक और व्यापारियों की बात तो हमने सुन ली है, अभी तक क्या इस पूरे मामले में कार्रवाई हुई है? देखिए, जिला प्रशासन ने लॉकडाउन लागू किया है कोरोना के संक्रमण को कम करने, लेकिन जिस तरीके से व्यापारियों की समस्या सामने निकल कर आ रही है, उनसे ये संक्रमण से ज़्यादा उनके लिए ये समस्या हो गई है कि उनको ये लगातार अवैध वसूली के शिकार हो रहे हैं। इस तरीके के जो आरोप लगातार जो व्यापारी लगा रहे, कहीं ना कहीं ये गंभीर आरोप पुलिस पर लग रहा है और इस पर तत्काल एक्शन लेने की भी ज़रूरत है। लिहाजा इस पूरे मामले पर जैसे ही व्यापारियों ने शिकायत की विधायक से, तो विधायक खुद इस पूरे मसले को देखने बुधवार बाजार पहुंचे और वहां पर हालचाल जाना, व्यापारियों से पूछा। जो बात निकल कर सामने आ रही है वो ये है कि जिस तरीके से लॉकडाउन में छूट मिली है 2 बजे तक के व्यापारियों को, दुकान में होम डिलीवरी दिया जाएगा, लेकिन अब ये दोहरा जो छूट मिली है इससे व्यापारी समझ में नहीं आ रहा है, बिना दुकान खोले वो होम डिलीवरी कैसे करे? ऐसे में दुकान जब वो खोलते हैं तो तत्काल वहां पर जो स्थानीय पुलिस है, चाहे अगर हम बात करें बुधवारी बाजार जो तोरवा से लगा हुआ है, तोरवा थाना क्षेत्र है, वहां के जो कर्मचारी पुलिसकर्मी वहां पहुंच जाते हैं और उनको मना करते हैं कि दुकान मत खोलो। यदि वो दुकान खोलते हैं तो उनको धमकी दी जाती है कि उनको जेल में बंद कर दिया जाएगा, उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। लिहाजा इस कार्रवाई से बचने के लिए वो 500 की रसीद की तो कटवाते हैं, लेकिन उसके जगह में 5 से 6 हजार रुपए दे रहे हैं। जैसे कि आपने सुना भी है कि बाइट में किस तरीके से जो व्यापारी है वो अपनी पीड़ा को बता रहे थे। लगातार इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं, जिला प्रशासन पुलिस विभाग के पास भी इस तरीके के लगातार मामले आ रहे, लेकिन इस तरीके से किसी भी प्रकार का एक्शन नहीं लिया जा रहा है। पिछले बार भी लॉकडाउन में, अगर पहले लॉकडाउन की बात करें, जो पिछले साल भी इसी तरीके का लॉकडाउन किया गया था, उस समय भी व्यापारी इसी तरह की समस्या को लेकर विधायक से बात किया था, जिसके बाद विधायक ने यह कहा था कि एक गृह मंत्री के कार्यक्रम के दौरान उन्होंने यह कहा था कि पूरे थानों में रेट लिस्ट लगा देनी चाहिए, इस पैसे का इतना पैसा, ये दुकान खोलने का इतना पैसा, इस तरह की बात भी सामने आई थी। जिसके बाद इस पूरे मामले को लेकर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने संज्ञान लिया था और यह कहा था कि पुलिस की कार्य संस्कृति में थोड़ा सा बदलाव करने की जरूरत है, वो अपने बदलाव को बदले। लेकिन आज 1 साल होने जा रहा है, उसी तरीके की स्थिति लगातार बनी हुई है और इस तरह की जो समस्या सामने आ रही है उसमें कोई सुधार नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं जिला प्रशासन और सरकार के उच्च पद पे बैठे जो अधिकारी नेता हैं, उनको इस बात को समझने की जरूरत है। पेंडेमिक समय है, कोरोना लॉकडाउन का समय है, ऐसे में इन लोगों तक रोजमर्रा की जो चीजें हैं उसको पहुंचानी है, उन चीजों को पहुंचाने के लिए ये दुकान खोल रहे हैं, लेकिन इस तरह की जो लगातार इनके ऊपर बदसलूकी या वसूली की जो किया जा रहा है, इससे कहीं ना कहीं इस पूरे
पुलिस प्रशासन पर सवालिया निशान करता है जिस तरीके से ये आरोप लग रहा है। अब इस पूरे मामले पर विधायक ने संज्ञान में ले लिया है, उच्च अधिकारियों से बात करने की बात कही है, आईजी से बात करने की बात कही है, साथ ही गृह मंत्री से भी इस पूरे मसले को संज्ञान में लाने की बात कही है। ऐसे में देखना होगा कि अब इस पूरे मामले में किस तरीके से प्रशासन एक्शन लेता है, अब उच्च अधिकारी जो बैठे हैं पद पर वो किस तरीके से इस पूरे मसले को देखते हैं। अगर हम बात करें व्यापार विहार, बुधवारी बाजार, सनीचरी बाजार, ये तमाम जो बाजारें हैं वहां पर सुबह 10 बजे से 2 बजे तक का छूट दिया गया है, वहां पर इस तरीके की लगातार शिकायतें लगातार मिलती रही हैं, लेकिन अभी तक इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। हालांकि अभी हमारी बात अधिकारियों से इस मसले पर नहीं हो पाई है, क्योंकि अब जैसे ही इस मसले पर हम बात करेंगे तो ये बात भी निकल कर सामने आएगी कि आखिर क्या पूरा माजरा है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो शिकायतें सामने आ रही है वो कहीं ना कहीं इस पूरे जो सिस्टम है उस पर सवाल खड़ा कर रहा है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने उमेश, कई सवाल खड़े होते हैं। इस पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।